नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आज मैं आपको जो सीबीएसई ने हाल ही में यानी आज के ही दिन एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि उन्होंने ओएमआर शीट में क्या चेंज किया है और उस चेंज को आप बच्चे किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक जरा सी गलती आपके नंबर को कम कर सकती है, आपके डिवीजन को कम कर सकती है। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आज की डेट डली है 6/11/21, आज का ये सर्कुलर है और इस सर्कुलर में बहुत सारी चीजें दी है और लास्ट में देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे एक ओएमआर शीट भी दे रखी है। ये ओएमआर शीट को मैंने अपनी तरफ से अलग से बनाई है, मैं आपको वो वाली ओएमआर शीट बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ओएमआर शीट बनाई है ना, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये बोर्ड की तरफ से एज इट इज मैंने इसको फॉलो करते हुए अपनी तरफ से एक ओएमआर शीट बनाई ताकि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए इसमें आपको एक बहुत बड़ी जो झंझट थी आपके लिए वो खत्म हो गई है, यानी कि आपको अपनी डिटेल फिल नहीं करना है। यानी कि क्या है कि आपको अपने रोल नंबर, आपका जो स्कूल कोड है, पता नहीं बहुत सारी चीजें जो डालनी रहती है वो सारी प्रीफिल होके आएगी, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा आपको। इसके बाद वही रोल नंबर जो वर्ड में लिखते हैं वो वर्ड में आपको ऑलरेडी लिखा आएगा, फिर एग्जाम डे और डेट वो आपको ऑलरेडी लिखी हुई आएगी, सेंटर कोड और सेंटर नेम आपको लिखा हुआ आएगा, फिर सब्जेक्ट कौन सा है उसका कोड क्या है वो लिखा हुआ आएगा, आपका नेम, आपके पापा का नाम और जो आपका स्कूल नेम और कोड है वो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ आएगा, आपको इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रीफिल होके आएगा, यानी कि आपके पास वही ओएमआर शीट आएगी जो आपकी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ओएमआर शीट नंबर लिखा है, इस नंबर का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा है राइट कोड नंबर रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर कोड। अब क्वेश्चन पेपर जो आपके पास आएगा उसमें कोड लिखा रहेगा, वो कोड को आपको यहां पर डालना है। अब वो कोड डिजिट्स में भी हो सकता है, यानी कि 9 डिजिट, 8 डिजिट, 6 डिजिट, कितनी भी डिजिट का कोड हो सकता है, या फिर कोई लेटर भी हो सकते हैं और लेटर और कोड मिला के भी हो सकते हैं। तो जैसे भी होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है। नीचे आते हैं, ये नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी सील लगी रहेगी सेंटर सुपरिटेंडेंट की, वो तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेन चीज है ये आपका कि आपको किस तरह से इसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपको पूरे जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन है उतने ही आपको यहाँ पे टिक लगानी है, उससे ज्यादा नहीं लगानी है। सपोज करिए आप मैथमेटिक का पेपर दे रहे हैं और मैथमेटिक में ओनली 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ओनली 50 क्वेश्चन, तो नीचे के क्वेश्चन आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर आपने इधर भी डार्क कर दिया, आपने फालतू अपना टाइम खराब करा, तो भी वो यूज में नहीं आएगा, मतलब कोई उसको एवेल्यूएट उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ना करो तो वो ज्यादा अच्छा है, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा कि मेरे को बी आंसर करेक्ट लग रहा है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो बी ऑप्शन है उसको मुझे डार्क कर देना है, ठीक है। ये मैंने बी ऑप्शन को डार्क कर दिया, ठीक है। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे गया, मुझे थर्ड क्वेश्चन अच्छा लगा, थर्ड क्वेश्चन में मुझे ए ऑप्शन करेक्ट लगा, तो मैंने ए ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने और अच्छे से आपको फिल करना है इसको। फिर मैं 7th क्वेश्चन पे गया, मुझे इसका सी ऑप्शन करेक्ट लगा, मैंने सी को करेक्ट कर दिया। और ये ध्यान रखेंगे आप कि जो आपको कन्फर्म हो उसी को आप डार्क करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब आपको कन्फर्म हो जाए तब आप कर दीजिए। मान लीजिए 22 क्वेश्चन पे गए, 22 क्वेश्चन का आपको ए करेक्ट लगा, आपने ए करेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आप 28 क्वेश्चन पे गए, आपको बी करेक्ट लगा, तो आपने बी को करेक्ट कर दिया, मतलब सर्कल कर दिया, डार्क कर दिया इसको। इस तरह से जितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे उतने क्वेश्चन पे आपने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है, सर्कल को फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि ए करेक्ट है तो आप ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे आप लिख देंगे बी, क्योंकि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट लग रहा था तो आपने यहाँ लिख दिया बी। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा था तो आपने यहाँ थर्ड में क्या लिख दिया, ए। जो ऑप्शन आपको कंफर्म हो जाए उसके आगे आप क्या करेंगे, इस तरह से ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वो लिख देंगे। मान लीजिए 7th क्वेश्चन को आपने पहले क्या करा था, सी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में आपको पता चला या आपको याद आया कि यार ये क्वेश्चन का आंसर सी नहीं बल्कि इसका आंसर तो बी होना चाहिए, या बी ही इसका करेक्ट आंसर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब बी लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। इसलिए ये वाला जो आप मतलब बॉक्स वाला जो कॉलम है उसको आप थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रखिए ताकि आपको कन्फर्म हो जाए, तब आप इसको यहाँ लिखिए। तो क्योंकि आप इस पे लिखने के बाद आप कट नहीं कर सकोगे, आप इधर आपने गलत लिख दिया तो चलेगा, इधर गलत लिख दिया तो आप बॉक्स में सही कर लीजिए इसको, लेकिन बॉक्स में गलत लिख दिया तो फिर वो सही नहीं होगा, क्लियर हुआ। आप बॉक्स में एक बार जो भी वर्ड लिखना है, जो भी आपको लेटर लिखना है, वो एक बार लिखने के बाद उसको आप रिराइट नहीं कर पाओगे। अगर आपको सर्कल में इधर जो ऑप्शन है उसमें अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आखिरी में ये जो
लाइन है यानी कि जो बॉक्स वाली लाइन है, इसी को ही फाइनल आंसर माना जाएगा, फाइनल रिस्पॉन्स माना जाएगा। इसलिए इसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपने ए आपको लगा था और ए ही आपने यहां लिख दिया, लेकिन बाद में लगा नहीं ए नहीं है इसका तो सी आंसर था, तो आप ए को काट के सी नहीं लिख पाओगे, यहां पे वो गलत मान लिया जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले जितने आंसर आपको आ रहे हैं पहले आप ऑप्शन पे टिक करिए, ऑप्शन जब आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है तो आप जो बॉक्स बने उस बॉक्स में भी लिख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोर्थ सिक्स नंबर का जो कॉलम है इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है और थर्ड किया है, इसके बाद आगे चला गया तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन छूट गया है, या मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया या सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, जो आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, उसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या करोगे, डार्क करोगे इसको। मैंने सेकंड क्वेश्चन को डार्क कर दिया इधर की तरफ सिक्स नंबर के कॉलम में, इसका मतलब ये कि सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ये कंफर्म हो जाता है कि सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं किया। इसी टाइप से मैं जैसे एट क्वेश्चन को मैंने कहीं नहीं किया तो मैं यहाँ एट क्वेश्चन पे आगे जाके मैं इसको डार्क, जितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डार्क करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन आपने इधर कर दिया उसको भी डार्क कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए ये सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपने यहाँ डार्क भी कर दिया, यहाँ बी भी लिख दिया है, और अगर आपने गलती से सेवन को भी डार्क कर दिया इधर वाले को भी, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका माना ही नहीं जाएगा, ये गलत मान लिया जाएगा और ये मतलब चेक ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। इसलिए आपको वही क्वेश्चन को इधर की तरफ यानी सिक्स नंबर का जो कॉलम है उसमें उसी को आपको डार्क करना है जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, क्लियर। इस तरह से आप करेंगे। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने ये जो दे रखे हैं, जैसे मान ले ए बी सी डी ये दे रखे हैं, इसमें आपने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको आपने ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन आपने इस बॉक्स में सही ऑप्शन लिख दिया। मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन ए था, लेकिन आप डार्क करना भूल गए और आपने बॉक्स में ए लिख दिया, तो उसको करेक्ट माना जाएगा, मतलब उसी को ही फिर फाइनल आंसर मान लिया जाएगा अगर आपने बॉक्स में लिख दिया तो। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपने 12 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और 12 क्वेश्चन का बी ऑप्शन इधर आपने जो कहे वो करेक्ट ऑप्शन था, आपको मालूम था इसका आंसर बी ही है, यहां तो आपने डार्क कर दिया लेकिन ये बॉक्स में आपने कुछ नहीं लिखा, तो ये माना जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है, कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन नहीं किया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि जो आप इधर डार्क कर रहे हैं उसी को आपको यहां लिखना भी है, छोड़ना नहीं है, दोनों काम करना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन को डार्क भी करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहां लिखना भी है, दोनों काम करना है। लेकिन बाय द वे अगर आप भूल जाएं डार्क करना तो चलेगा, लेकिन जो बॉक्स है उसमें लिखना नहीं भूलना है आपको, लिखना भूल गए तो आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आपने सभी को छोड़ दिया, जैसे 15 क्वेश्चन मान लेते, 15 क्वेश्चन में आपने कहीं पर भी कुछ भी नहीं करा, यानी ना तो आपने ऑप्शन पे कोई डार्क किया, ना आपने बॉक्स में कोई लेटर लिखा है, और ना ही इधर लास्ट वाले में कुछ किया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई तो ही आपका पेपर अच्छे से जाएगा, नहीं तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए लेकिन कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर से 31 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 31 का मुझे ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा था, मैंने ए ऑप्शन को डार्क किया और साथ में मुझे पूरी तरह से 100% विश्वास है कि इसका ए ही सही है, तो मैं यहाँ ए लिख दूंगा, ठीक है। मैंने फिर 32 क्वेश्चन की बजाय मैंने 33 क्वेश्चन करा और इसका मुझे बी ऑप्शन करेक्ट लगा, मैंने बी ऑप्शन को डार्क कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैं आगे चला गया, मैंने डार्क इधर नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार इसका बी ऑप्शन नहीं बल्कि इसका आंसर तो सी होना चाहिए, तो मैं यहाँ सी लिखूंगा ना कि बी, ठीक है। इसलिए आप ये वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए ब्लैंक ही रहने देना ताकि उसमें आप चेंज कर सको, क्योंकि अगर आपने एक बार लिख दिया तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाओगे, अगर चेंज किया भी आपने अगर पेन को मिटाने की कोशिश की तो वो आपका अनफेयर मीन्स माना जाएगा, यानी कि आपकी चीटिंग मानी जाएगी और वो आपका क्वेश्चन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और जो जो मैंने अभी चीजें बताई उसको अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आप अपना पेपर कर पाओगे। चलिए नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा आई कन्फर्म डेट, तो ये जो लिखा हुआ है इसको आपको अपनी हैंड राइटिंग में इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स बना पूरा इसमें लिख देना है, जैसे लिखा आई फिर कन्फर्म ऑल पर्टिकुलर गिवन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख देना है और ये जो लिखा है सिग्नेचर की जगह आपको क्या कर देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है, बस इतना सा काम है। अगर ये आप अच्छे से कर पाए
तो बहुत अच्छे से आप अपने पेपर को कर पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको गई है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रही क्वेश्चन मुझे दीजिए। आज्ञा, जय हिंद।